नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूँ करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को देख सकते हैं तक ऐप से, तो अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पर जा करके तक ऐप डाउनलोड कर लें। आज हम चर्चा करेंगे रक्षाबंधन की, क्योंकि रक्षाबंधन जो है इस वर्ष मनाया जाएगा 3 अगस्त 2020 को। और ये जो खास पर्व है, ये हमेशा पड़ता है श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि पे। और ये जो तिथि भी पड़ रही है, इस बार पड़ रही है सोमवार की। तो ये महीना जो है भगवान शिव की कृपा पाने के लिए, और ये दिन स्पेशली भगवान के शिव की कृपा पाने के लिए बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि ये पूरा महीना भगवान शिव को ही समर्पित होता है। आज हम चर्चा करेंगे कि आपको रक्षाबंधन पे राखी किस प्रकार चूज करनी चाहिए अपने भाई के मूलांक के अनुसार। क्योंकि राखी चूज करते वक्त बहुत सारे ऐसे प्रश्न हमारे मन में आते हैं, राखी कौन सी अच्छी रहेगी, कौन सी अच्छी नहीं रहेगी, कौन सा रंग अच्छा रहेगा जो हमारे भाई को प्रिय हो। या फिर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं कलर्स में कि कौन सा कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मूलांक के अनुसार जान लें कि कौन सा रंग आपके भाई के लिए सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मूलांक एक की। तो जिन लोगों ने जन्म लिया है 1 तारीख को 10 तारीख को 19 तारीख को या फिर अगर देखा जाए तो 28 तारीख को जन्म लिया है, तो इन लोगों का मूलांक जो है वो है 1। तो इन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा रंग अच्छे रहेंगे येलो, ऑरेंज, गोल्डन, इसके साथ साथ रेड कलर बहुत अच्छा रहेगा, मजेंटा, मेहरून। तो ये कलर्स जो है इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। बात करते हैं मूलांक दो की। तो जिन जातकों ने जन्म लिया है 2 तारीख को 11 तारीख को इसके साथ साथ 20 तारीख को या फिर 29 तारीख को, तो इन लोगों का मूलांक हो गया 2। और इनके लिए जो रंग अच्छे रहेंगे वो रहेगा वाइट, सिल्वर, क्रीम, लाइट ब्लू, या फिर अगर मोती से बनी राखी हो तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। बात करते हैं मूलांक 3 की। तो जिन जातकों ने जन्म लिया है 3 तारीख को 12 तारीख को 21 तारीख को या फिर 30 तारीख को, तो इन लोगों का मूलांक हो गया 3। इन लोगों के लिए रंग जो रहेंगे बहुत अच्छे वो रहेंगे, लाल रंग अच्छा रह सकता है, पीला रंग अच्छा रह सकता है, सुनहरा रंग अच्छा रह सकता है, इसके अलावा अगर केसरिया रंग भी लेते हैं तो ये भी रंग इनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। गोल्ड में अगर कुछ लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। बात करते हैं मूलांक 4 वालों की। तो जिन जातकों ने जन्म लिया है 4 तारीख को 13 तारीख को या फिर 22 तारीख को और अंतिम दिन की यानी 31 तारीख की चर्चा करें, तो अगर इन तिथि पे जन्म लिया है तो आपका मूलांक हो गया 4। अब आप लोगों के लिए जो रंग रहेगा वो हल्के रंग बहुत अच्छे रहेंगे, जैसे लाइट ग्रीन है, लाइट ब्लू है, लाइट पर्पल है, ये कलर्स बहुत अच्छे रहेंगे। और अगर स्पेसिफिक कलर की बात करें तो पर्पल रंग इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं, ब्लू कलर का प्रयोग में लेके आ सकते हैं आप, और इसके साथ साथ सिल्वर कलर भी आप प्रयोग में लेकर आ सकते हैं। बात करते हैं मूलांक 5 वालों की। तो जिन जातकों ने जन्म लिया है 5 तारीख को 14 तारीख को या फिर 23 तारीख को, तो आप लोगों के लिए सभी रंग वैसे तो आप प्रयोग में लेके आ सकते हैं, मगर हरा रंग सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है, तो ग्रीन या फिर लाइट ग्रीन, आप डार्क लाइट में से कोई भी ग्रीन ले सकते हैं। इसके अलावा गोल्डन, सिल्वर भी आप ले सकते हैं, आपके लिए बेहतर रहेगा। बात करते हैं 6 मूलांक की। तो अगर आपने जन्म लिया है 6 तारीख को 15 तारीख को या फिर 24 तारीख को, तो आप लोगों का जो मूलांक हुआ वो हुआ 6। अब आप लोगों के लिए हल्के रंग बहुत अच्छे रहेंगे, वैसे तो कोई भी कलर ले सकते हैं, मल्टी कलर की भी अगर आपको राखी मिलती है तो वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा चमकीली राखी जो होती है, जैसे जिरकन में राखी होती है या फिर सिल्वर में राखी होती है, ये भी बहुत ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगी। ऐसा राखी लेंगे, ऐसे रंग चूज करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। बात करते हैं मूलांक 7 की। तो जिन जातकों ने जन्म लिया है 7 तारीख को 16 तारीख को या फिर 25 तारीख को, तो इन लोगों के लिए बेहतर रहेगा नीला कलर, पर्पल कलर, ग्रीन कलर या फिर ग्रे कलर, ऐसे कलर्स चूज करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। सिल्वर कलर भी आप प्रयोग में लेकर आ सकते हैं। बात करते हैं मूलांक 8 वालों की। तो जिन जातकों ने जन्म लिया है 8 तारीख को 17 तारीख को या फिर 26 तारीख को, इन लोगों के लिए जो कलर्स रहेंगे, इनके लिए ब्लू कलर बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर लाइट शेड्स का प्रयोग करते हैं, जैसे लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, पर्पल कलर, तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। वाइट कलर या फिर सिल्वर कलर भी आप प्रयोग में लेकर आ सकते हैं। अंतिम मूलांक की चर्चा करेंगे, मूलांक 9 की। तो जिन जातकों ने जन्म लिया है 9 तारीख को 18 तारीख को या फिर 27 तारीख को, तो आप लोगों का मूलांक बना 9। तो आप लोगों के लिए रेड, ऑरेंज, गोल्डन,
इसके अलावा केसरिया रंग, मेहरून रंग, लाल रंग, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेंगे। तो इन रंगों से संबंधित आप राखी खरीद सकते हैं। और भी ऐसी खास विषय जानने के लिए बने रहिए एस्ट्रो तक के साथ। मैं आप सभी से लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार, जय श्री राधे।